दोस्तों क्या हो कि अगर आपकी कोई ली हुई फोटो जबरदस्त वायरल हो जाए, इतनी वायरल हो जाए कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े मैगजीन उसको अपना कवर बना ले। दोस्तों क्या हो कि वो फोटो की वजह से आपको बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड भी मिल जाए, और दोस्तों क्या हो कि यही फोटो आपको मजबूर कर दे आत्महत्या करने पर। जी हाँ दोस्तों, कोई टीवी सीरियल की बात नहीं करा, कोई बॉलीवुड की मूवी की बात नहीं करा, बात करो एक वास्तविक घटना की, एक ऐसी घटना जो भगवद गीता की अहम शिक्षा को समझने में हमें मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप जायसवाल है, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षार्थकम में। आज आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपको भगवद गीता सनातन संस्कृति के एक कदम और करीब लेके आएगी। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। दोस्तों बात है 1993 के स्वीडन शहर की, जहां पर बहुत भयानक तरीके से भुखमरी चारों ओर फैल चुकी थी। लोगों के पास खाने को बिल्कुल भी खाना नहीं था, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे। इतने कमजोर पड़ गए थे वहां के लोग कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो भुखमरी फैली हुई थी शहर में, उसी समय फैल गई महामारी। तो लोग भूख से मर ही रहे थे, अब बीमारी से भी मरने लगे, एक ऐसी बीमारी जिसका अभी इलाज भी नहीं मिल पा रहा था। तो लोग जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। माता पिता अपने बच्चे को बिलक बिलक के मरते हुए देख रहे थे, बच्चे अपने माता पिता को भूख से तड़पते हुए देख रहे थे, पर कोई भी किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे में साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम केविन कार्टर था, जो कि एक फोटोग्राफर था, इसको इसके शहर की कंपनी से काम मिलता है कि तुम स्वीडन शहर जाओ, वहाँ की कुछ तस्वीरें लेकर आओ। केविन अपने काम में माहिर था, इसने कैमरा उठाया और सीधा स्वीडन शहर के लिए चला गया। इसने देखा कि वाकई बहुत ज़्यादा बुरा हाल है शहर का, लोग भूख से तड़प रहे हैं, माता पिता अपने बच्चे की लाश लेके रो रहे हैं, कोई व्यक्ति इतना कमज़ोर पड़ गया है कि सड़क पर ही बेहोश हो गया है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिख रहा था। केविन ने अपना कैमरा उठाया और बहुत सारी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। पर दोस्तों कहीं ना कहीं केविन को ऐसा लग रहा था कि तस्वीरें तो बहुत ले ली हैं, अच्छी भी हैं, पर कहीं ना कहीं इसे अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली है जो एक ही बार में शहर का सारा हालात बयां कर दे। तो एक ऐसी खास फोटो को लेने के लिए ये यहाँ वहाँ भटकने लग गया। तभी एक दृश्य देखता है जो वाकई बहुत दिलचस्प था। एक छोटी सी बच्ची जो इतनी कमज़ोर है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही, अपना वजन भी नहीं उठा पा रही थी, वो बच्ची रेंग रेंग कर अपने घर जाने का प्रयास कर रही है। उसने देखा कि आसपास उसके कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके, पर ध्यान से देखने पे एक चीज नजर आई। बच्ची के कुछ कदम दूरी पर एक गिद्ध जो अपनी तीखी नजर उस बच्ची पे गड़ा के बैठा हुआ है। वो गिद्ध इंतजार कर रहा था कि ये बच्ची मरे फिर वो उसको खाए। ये दृश्य वाकई हैरतअंगेज करने वाला था, दिलचस्प था। केविन ने अपना कैमरा उठाया और एक तस्वीर ले ली। केविन की यह तस्वीर दुनिया की सबसे पॉपुलर तस्वीर होने वाली थी। केविन ने तस्वीर तो ले ली, पर कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि उस बच्ची के माँ बाप आएंगे, इसकी मदद करेंगे, कोई पड़ोसी आएगा जो उसकी मदद करेगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा जो उसको खाना दे देगा, या कोई व्यक्ति आ जाएगा जो उसको घर तक छोड़ देगा। पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई शख्स आया नहीं। आई तो पीछे से एक आवाज़ जो कहती है कि केविन अब हमें जाना होगा, हम ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकते। ये आवाज़ उसकी टीम की थी। केविन ने उस बच्ची को देखा और मुड़ गया और वापस अपने शहर चला गया। ये फोटो केविन ने न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर को बेच दी, और जैसी ये फोटो पब्लिश हुई दोस्तों पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गई। हर कोई इस फोटो की बात करने लगा, इस फोटो की वजह से हर कोई उस बच्ची के बारे में जानने का प्रयास करने लगा, हर कोई सोचने लगा कि वाकई शहर के बुरे हालात होंगे, हर कोई ये कहने लगा कि क्या तस्वीर खींची है, इसके फोटोग्राफर एक महान फोटोग्राफर है भाई। रातों रात उस फोटोग्राफर की किस्मत पलट गई, इतना नाम हुआ इसका कि उसको बेस्ट फोटोग्राफर का पुलित्ज़र अवार्ड भी दे दिया गया। केविन की किस्मत एकदम से पलट चुकी थी, अब वो महान फोटोग्राफर की कैटेगरी में आने लगा। पर कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बार बार बदलता है। एक दिन एक अनजान शख्स का केविन कार्टर को कॉल आता है, केविन फ़ोन उठाता है, वो शख्स बोलता है कि क्या मैं उसी मशहूर फोटोग्राफर केविन कार्टर से बात कर रहा हूँ? केविन ने बोला यस, हाँ भरी। उसने बोला सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ छोटी बच्ची का हुआ क्या? केविन ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम किया, फोटो ली और चला गया। उस शख्स कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, पर जब वो बोला तो मानो केविन की जिंदगी ही बदल गई।
उस शख्स ने बोला, सर मैं जान सकता हूँ कि उस समय वहां पर कितने गिद्ध थे जब आपने ये फोटो ली? केविन ने बोला कि सर जितना आप उस फोटो में देख पा रहे हैं, एक। उस शख्स ने बोला, सर आप झूठ बोल रहे हैं, वहां पर दो गिद्ध थे, पहला जिसकी फोटो आपने ली, दूसरा जिस शख्स ने वो फोटो ली। उस अनजान शख्स ने फोन काट दिया, पर उस अनजान शख्स कौन था ये तो पता नहीं चला, पर केविन को उसकी बात छू गई। उसके आखिरी के लफ्ज मानो केविन को अंदर से झिझोड़ने लगे, उसे सवाल पूछने लगे कि तुमने मदद क्यों नहीं की। और केविन को ये बात रियलाइज होने लगी कि वो चाहता तो उस बच्ची को बचा सकता था, उसके लिए खाना ला सकता था, उसके लिए कुछ लोग ढूंढ सकता था जो उसको घर तक पहुंचा सकते थे, पर उसने कुछ नहीं किया। केविन को गिल्ट होने लगा, ग्लानी होने लगी। केविन को ये बात समझ में आ गई कि बढ़ती मानवता जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लोग कहीं ना कहीं सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन आगे तो बढ़ रही है पर कहीं ना कहीं मानवता को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। केविन को कहीं ना कहीं खुद से घृणा होने लगी, चिढ़ होने लगी। कुछ समय बाद एक न्यूज आती है, मशहूर फोटोग्राफर केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, केविन के साथ उसके जीवन की कहानी तो खत्म हो गई, पर उसकी कहानी से जो हम शिक्षा ले सकते हैं ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। मैं इस कहानी के माध्यम से ये नहीं बताना चाहता दोस्तों कि केविन अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था, वो बचा सकता था उसने नहीं बचाया। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जब हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आती है तब हम क्या करते हैं। हम अक्सर घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं समाज में आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई पुरुष किसी स्त्री को छेड़ देता है, मर्डर हो जाता है, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो जाता है, पर हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल निकालते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, एक वीडियो लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, कुछ लाइक्स मिल जाते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, हमें हमारा कंटेंट मिल जाता है, पर रेयरली बहुत कमी लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। दोस्तों, आपको पता है महाभारत में अर्जुन भी यही गलती करने वाले थे। महाभारत में अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, हे कृष्णा क्या जरूरत है लड़ाई करने की, मैं चुपचाप से जंगल चला जाता हूँ, वहाँ पे तपस्या करूँगा, साधु का जीवन जीऊँगा, खुश रहूँगा, क्या जरूरत है लड़ाई करने की। पर पता है भगवान कृष्णा क्या बोलते हैं, अगर वो हम सब समझ लें तो बात ही कुछ और होगी। भगवान कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन तुम इतने कायर कब से बन गए, अगर आज तुम धर्म के लिए इन अधर्मियों को नहीं रोकोगे तो फिर से ये अधर्मी किसी द्रौपदी के कपड़े फाड़ेंगे, फिर से किसी पांडवाज के घर जलाएंगे, फिर से किसी मासूम को अपने अहंकार का शिकार बनाएंगे। तब तुम ये मत बोलना कि तुम स्किलफुल थे, टैलेंटेड थे, तुम चाहते तो उन्हें रोक सकते थे पर तुमने रोका नहीं। तब तुम गिल्ट मत दिखाना। तो हे अर्जुन अभी उठो, अपना धनुष उठाओ और धर्म के लिए इन अधर्मियों को वध करो, उन्हें रोको। भगवान ने अर्जुन को इंस्पायर किया सत्य के लिए लड़ने के लिए। दोस्तों, किसी महान इंसान ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर सत्य का प्रचार नहीं किया जाएगा ना तो लोगों को वो भी झूठ लगने लगता है। दोस्तों, भगवद्गीता से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। भगवद्गीता हमें हमारे कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है। भगवद्गीता हमें धर्म की शिक्षा देती है। भगवद्गीता हमें बताती है कि मानवता को बचाना कितना ज़रूरी है। पर हमें पता कैसे चलेगा अगर हम पढ़ते ही नहीं हैं उसको, तो और पढ़ेंगे नहीं तो इसका प्रचार कैसे करेंगे, दूसरों को बताएंगे कैसे, और जब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा तो हम मानवता को वापस लाएंगे कैसे। लोग इसी तरीके से कायरों की तरह जीने लगेंगे, लोग इसी तरीके से सेल्फिश होने लगेंगे, अपने स्वार्थ के लिए जीने लगेंगे, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला जिए या मरे, सच्चाई जिंदा रहे या ना रहे। तो दोस्तों, अगर हम भगवद्गीता का शिक्षा को नहीं समझेंगे, इसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग इसको भी मिथ मान लेंगे, जो कि हो रहा है आज, और लोग इसको भी झूठ समझ के नकार देंगे, और फिर क्या करेंगे, जो हम देख रहे हैं हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीने लगेगा। तो हमें अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, हमें इतना महान ग्रंथ मिला है भगवद्गीता, इसको पढ़ना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं जाते जाते इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि केविन कार्टर ने गलती की, उसे जीवन भर गिल्ट हुआ, हम वो गलती ना दोहराएं, हमें मौका मिला है इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से सनातनी टी शर्ट्स को पहनना तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट vrmisfit.com, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टी शर्ट्स जो कि हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। इसे पहनिए और गर्व से कहिए हम सनातनी हैं।
और अगर आप चाहते हैं भगवद गीता की शिक्षाओं को इसी तरीके से आप तक पहुंचाया जाए तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमें डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।